बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। में तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन एग सूप, जिसे हम घर पर तैयार करेंगे और बहुत ही इजी वे में करेंगे, बिल्कुल बाहर जैसा बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन एग सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पैन में चिकन ऐड कर दी है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं और विदाउट बोनलेस भी ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 लीटर वाटर, यानी कि 1 लीटर पानी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और इस पानी में हम पहले बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर पानी में बॉइल आ चुका है, एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, कि चिकन हमारी अच्छे से कुक हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, चिकन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चिकन जो है हमारी कुक हो चुकी है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे और इस चिकन को हम श्रेड कर लेंगे, यानी इसके रेशे कर लेंगे, और इस पानी को हम, यानी ये जो यखनी है हमारे पास, इसको हम छान लेंगे और इसे हम सेपरेट करके दोबारा से हम इसी पैन में ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है और यहाँ पर मैंने यखनी को भी छान लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने चिकन को श्रेड कर लिया था, वो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर। इसे डाल के एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब बना लेते हैं हम कॉर्नफ्लोर मिक्सचर। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी 1/4 कप और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब इसे हम अपने सूप में ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो सारा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए हम कुक करेंगे। देखिए सूप गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली सॉस ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम अंडा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो अंडा बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 अंडा इस तरह से डाल रही हूँ और 2 अंडे को मैं बॉईल करके सूप में ऐड करूँगी, वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर अंडे को इस तरह से डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं सूप को कुक होते हुए। तो सूप हमारा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार लग रहा है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा विंटर स्पेशल, सर्दियों का गर्मा गर्म सूप। तो इसे मैं ऊपर से बॉइल्ड एग से गार्निश कर दूंगी और इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूंगी ब्लैक पेपर। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान था। तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, घर में बहुत मज़ेदार बन जाता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।